अस्सलाम वालेकुम जी, आईबी ब्लॉग मास्टर के साथ मैं इरफान अदर हूँ और आज बहुत ही अहम बात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि आपने जो थंबनेल के अंदर देखा है कि मैं ज़ीरो से हीरो तक, मतलब यहाँ तक कैसे पहुँचा, तो आप ये थोड़ा सा खर्च करके कैसे करोड़पति बने। सोनिया अखियां कजले भरिया के मैं रॉबर्ट टिकू साकी है, बहुत बड़ा मेहर मुआशात है, उसकी थ्योरी पढ़ रहा था। वो बताता है कि दुनिया के अंदर ना चार तरह के लोग हैं, यानी कि दुनिया में चार तरह से लोग कारोबार करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को 100% के हिसाब से ना वो चार हिस्सों में पूरी दुनिया को तकसीम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है, पहले हिस्से के अंदर वो 90% यानी कि 90% लोग पहले हिस्से के अंदर ले करता है। अब 90% के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, 90% के अंदर लोग जॉब वाले, दिहाड़ीदार मजदूर, जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो लोग नौकरियों में काम करते हैं, जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वो सारे के सारे 90% के अंदर आते हैं। अब वो कहता है कि जो लोग 90% के अंदर आते हैं ना, तो उन लोगों पर, क्योंकि इंसान को लाइफ सेटल करने के लिए, अच्छी तरीके से गुजारने के लिए पैसे और वक्त का होना ज़रूरी होता है, वो कहता है कि जो 90% में लोग आते हैं उनके पास ना पैसा होता है ना ही वक्त होता है, क्योंकि वो ना इसी तरह इंजॉय कर पाते हैं, ना इसी तरह घर को चला पाते हैं, ना उनके पास कोई वक्त होता है मरी जाने के लिए, घूमने के लिए, किसी भी ट्रिप के लिए, शादी के लिए, वक्त ना भी कोई चीज़ नहीं होती। अगर अपन को बात करें कि आप मरी घूमने के लिए चलते हैं, तो उनके पास कोई टाइम नहीं होता, कोई टाइम फ्रीडम नहीं होता, उनके पास कोई अखराजात नहीं होते, वो खुला खर्चा नहीं कर सकते। तो 90% के लोग जो है ना, वो उनके पास ना कभी ना पैसा होता है, ना ही उनके पास वक्त होता है। उसके बाद है दूसरी कैटेगरी के अंदर है, वो यहाँ पे तो छः परसेंट है, उसमें वो लोग आते हैं जो हुनरमंद अफराद हैं, जो डॉक्टर हैं, जो वकील हैं, इंजीनियर हैं, मोची हैं, ऐसे लोग जिनके पास कोई ना कोई हुनर है, वेल्डर है, वो 6% के अंदर आते हैं। और 6% के अंदर जो लोग आते हैं उनके पास पैसे और वक्त में से दोनों में से एक चीज़ हर वक्त मौजूद होती है, हर वक्त वो यानी कि मौजूद होती है, यानी कि या वक्त होता है या उनके पास है पैसा होता है। उनकी वो मिसाल देता है, उनकी मिसाल देता है कि उनकी मिसाल ऐसे है जैसे साइकिल का पैडल होता है, यानी कि जब तक वो मेहनत करते हैं, जब तक वो काम करते हैं उनके पास पैसा होता है, जब वो मेहनत नहीं करते, जब वो मेहनत करनी छोड़ देते हैं, तो फिर उनके पास पैसा नहीं, वक्त होता है। जैसे वकील है, उसने LLB कर लिया, LLB करने के बाद अब वो क्या करता है कि वो उसको चैम्बर में बैठना पड़ेगा, उसको केस झगड़ने पड़ेंगे तो पैसा आएगा, अगर चैम्बर बंद कर देगा तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। इस तरह डॉक्टर है, MBBS करने के बाद जब क्लिनिक पे बैठेगा तो मरीज़ चेक करेगा तो पैसा आएगा, जब मरीज़ चेक करना बंद कर देगा तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए बेसिक उनकी मिसाल लेता है कि उनकी मिसाल 6% वालों की ऐसे है कि जैसे साइकिल का पैडल होता है, कि वो यहाँ पर जब पैडल मारते रहते हैं तो चक्का चलता रहता है। इस तरह जो तीसरे खाने के अंदर, वो 3% लोगों की लागत, तब कहता है कि ये 3% वो लोग हैं, इनके अंदर वो लोग आते हैं जो मिलों के मालिक हैं, इनके लिए जो कारखानों के मालिक हैं, और जो जिनके पास कोई फैक्ट्री वगैरह है, तो उनकी मिसाल लेता है कि जो 3% लोग हैं इनके पास ना 24 घंटे दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं, पैसा भी होता है, वक्त भी होता है, हर चीज़ ऑलरेडी मौजूद होती है यहाँ पर इनके पास है। तो इनकी मिसाल लेता है कि इन लोगों की मिसाल ऐसे है जैसे मकड़ी का जाला हो, ये लोग पहले मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद जो इससे पैसा आता है उससे अपने एहसास से बनाते हैं, फिर एहसास से इनको सारी लाइफ टाइम के लिए इनके लिए काम करता है, उनकी धन करता है। अब इस मिल का मालिक है, उसने अपनी मिल बनाने के बाद मिल अपने एहसास से बना दिया, जैसे प्लाजा है, अब प्लाजे का मालिक है, वो प्लाजा बनाने के बाद उसको किराए पर चढ़ा देता है, वो सारे दिन के उसको पैसा देता रहता है, मेहनत एक दफ़े करते हैं। ये पिज़्ज़ा शॉप है, ये भी यहाँ पर जो काम करते हैं, यहाँ पे जो पिज़्ज़ा शॉप बनाई है, एक दफ़ा यहाँ पर रन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो एक दफ़ा मेहनत की, अपना एहसासा बनाया, एहसासा बनाने के बाद अब ये दोबारा मेहनत नहीं करते। तो ये 3% लोग में वो लोग आते हैं जिनके पास 24 घंटे पैसा होता है, इंजॉय भी करते हैं, ट्रिप भी करते हैं, शादियाँ भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, इसी तरीके से इंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं, और ये घूमते फिरते, क्योंकि मिल बनाने के बाद, फैक्ट्री बनाने के बाद ये लोग इंजॉय करते हैं, ये फैक्ट्री में GM रखते हैं, अपना मुलाजिम रखते हैं, मैनेजर रखते हैं, दोबारा मर्जी से चक्कर लगाते हैं। तो आगे आते हैं 1% के अंदर, 1% वो लोग हैं जो इन्वेस्टर होते हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं, ये अपना पैसा बनाते हैं, पैसे से इन्वेस्ट करते हैं, ये प्लाट खरीद लेते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं, उनको आगे इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर इनके लिए पैसा काम करता है, समझा रही है? ये जैसे यानी कि ना 90% के अंदर जो लोग हैं ये किसी के लिए काम करते हैं, 6% जो लोग हैं ये अपने ज़ात के मुलाजम होते हैं, 3% वो लोग हैं जिनके लिए कोई यानी कि कोई और काम करता है, जिनके लिए लोग काम करते हैं, समझ आ रही है? और 1% के लिए पैसा काम करता है। इसलिए सबसे बेस्ट ये तरीका कि आप इस थ्योरी
सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इस थ्योरी के तौर पे काम करें, थ्योरी के तौर पे रन करें, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ पे कामयाब होने का, अच्छे हालात आने का। तो सबसे जो मेन थंबनेल के हवाले से बात है आपको जो शेयर करने चाह रहा हूँ कि आप अल्लाह पाक की ज़ात से तजारत करें। अल्लाह पाक की ज़ात से जो भी तजारत करता है वो कभी भी दुनिया के अंदर फलाप नहीं होता, नाकाम नहीं होता। तो ये बेहद तजारत है जिसके अंदर आप कभी भी फलाप नहीं होंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि 10 दुनिया और 70 आखिरत। अगर आप 1 रुपया देते हैं तो 10 आपको दुनिया में मिलते हैं, 70 आपको अगली दुनिया में दिए जाते हैं। तो अल्लाह पाक की ज़ात से तजारत करें, अल्लाह पाक की ज़ात के साथ जो तजारत करता है, क्योंकि वो कनात में बेहद साथ है जो आपका नुकसान कभी नहीं होने देगी। तो आज की वीडियो ज़्यादा थी, बेस्ट टू बेस्ट आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो कैसे लगी कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट टू बेस्ट आप अल्लाह हाफ़िज़।